महाराज जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की पांच बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी, नाम लो, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और पांचवें नंबर की देव, ये शिवजी की पांच लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर लगा देता है शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर, उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगा, अदालती कार्रवाई। यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता, कनेर का पुष्प सुख प्रदान कर, आनंद, जिसको कोई ना पाए